हेलो, वापस एक बार हम लोग आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो आज मेरे को एक मोड मिला है जिससे मैं मॉब्स को बेबी मॉब्स में बदल सकता हूं भाई, और मेरे को काफी ज्यादा मजा आने वाला है मॉब्स को बेबी मॉब्स देखने में। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा सा आयरन गोलम है और यहाँ पर एक छोटा सा आयरन गोलम है। अब तुम लोग कंपैरिजन देख रहे हो भाई, एक इतना छोटा और एक इतना बड़ा, और छोटा वाला मेरे को काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं एंडर ड्रैगन को बेबी एंडर ड्रैगन देखने में, जो कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो लेट्स गो भाई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूं और कितना ज्यादा अच्छा मौसम चल रहा है भाई। और वेट, वहां पे एक साइन बोर्ड है आयरन गोलम कहाँ स्पॉन होता है। ओ वेट, मेरे को बेबी स्पॉन एग चाहिए होंगे भाई, तभी तो मैं बेबीज और को स्पॉन कर पाऊंगा। ओके, मैं समझ गया कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना वुड वगैरह तोड़ लेते हैं, और उसके बाद आई थिंक सो मेरे को इनके टास्क वगैरह करने पड़ेंगे, तभी मैं बेबीज को ढूंढ पाऊंगा भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनके हम लोग टास्क भी कर लेंगे। और सबसे पहले जरा मैं एक एक्स बना लूं, क्योंकि एक्स मेरे बहुत ही ज्यादा काम में आएगी। ओके लेट्स गो, फाइनली मैंने यहाँ पे एक्स बना लिया है। मेरे को पिकेक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, और अब मैं इसका ध्यान से टास्क पढ़ता हूँ। आयरन गोलम कहाँ स्पॉन होते हैं? आयरन गोलम विलेजर्स के पास स्पॉन होते हैं, और विलेजर्स विलेज में स्पॉन होते हैं। मतलब कि मेरे को आसपास कहीं विलेज ढूंढना पड़ेगा। यार ये काफी ज्यादा गलत बात है भाई, हमें सामने ही हमें बेबीज के स्पॉन एग दे देते भाई। हमारे से अभी ये टास्क वगैरह करवाएंगे, तब तक मैं यहाँ से थोड़ा बहुत फूड वूड कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी फिलहाल मैंने 7 रॉ मटन कलेक्ट कर लिया। और वेट, मेरे को विलेज में मिल गया। सीरियसली, मैंने वहां पे अभी साइन पढ़ा और मेरे को अभी विलेज मिल गया। कहीं ये वही वाला विलेज है ना, कहीं कोई और तो विलेज नहीं है। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पे मेरे को बेबी स्पॉन एग मिल जाने चाहिए। और वेट, वेरी नाइस, यू मेड इट। यो, यही वाला विलेज है भाई। आजा बेटे, आजा। अब यहाँ पे मेरे को आई थिंक सो स्पॉन एग मिल जाएंगे। किधर है भाई स्पॉन एग? यहाँ पर है स्पॉन एग। स्पॉन एग कहाँ है? मैं भी भाई, मैं किससे ही पूछ रहा हूँ, जो कि खाली मैं ही करता रहता है और कुछ भी नहीं करता। और ये कैसा सा है भाई विलेज? यहाँ पे ना ही एक सामान है, ना ही कुछ खाने के लिए, ना ही कुछ पीने के लिए है भैंस की आंख। ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? तीनों बातें, तुम रहो भाई, तुम रहो। ओ वेट वेट, यहाँ पे एक और साइन है, चेस पास में है। ओके, चेस इधर ही कहीं है। ओके, ठीक है। अरे ये तो यार क्राफ्टिंग टेबल है। किधर मिलेगी मेरे को चेस्ट? ये विलेजर वगैरह ने छुपा के रखी होगी भाई। यहाँ पे एक तो खेती बाड़ी करने से ये ना रुकते हैं भाई। प्लीज यहाँ पे चेस्ट मिल जाए। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ओ वेट, मेरा हंगर बार पूरा का पूरा जा चुका है और मैं काफी ज्यादा स्लो चल पा रहा हूँ भाई। और वेट, यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी हुई है। तुम्हारी भैंस की, भगो भाई। ओपन एट योर ओन रिस्क, ये क्या बदतमीजी है भाई, मैं तो ओपन करूंगा। और वेट, यहाँ पे भाई कितना कुछ मिल गया मेरे को। स्पॉन बेबी। अरे ये तो बेबी स्पॉन है क्या भाई? वेट, यहाँ पे मेरे को आर्मर भी दे रखा है और थोड़े बहुत मेरे को यहाँ पे फूड भी दे रखे हैं। और मैं कचरा इधर की तरफ रख देता हूँ भाई, ये सब मेरे को कचरा नहीं चाहिए। अब तुम्हारा भाई महंगा आदमी बन चुका है, तुम्हारा भाई डायमंड के आर्मर वगैरह पहनता है भाई, तो हम लोग को ये फटी फटी चीजें नहीं चाहिए। ओके, तो सबसे पहले खाना खाते हैं भाई हम लोग। लेट्स गो, फाइनली मेरा हंगर बार पूरा का पूरा फुल हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे जरा सो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। और वेट, यहाँ पे बाहर बेड लग रखा है भाई। सीरियसली, विलेज में कुछ भी नहीं है भाई। मैंने ऐसा पहली बार विलेज देखा है जहां पे एक टूटा सामान भी ना हो भाई। इतना ज्यादा गरीब विलेज है, लेकिन यहाँ से हमारे को काफी ज्यादा चीजें मिल चुकी हैं। जैसे कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो ये सब चीजें मैं अपनी इन्वेंटरी में रख देता हूँ। बहुत है भाई इन्वेंटरी में स्पेस, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। ओके, यहाँ पे मैंने सारे के सारे बेबी एग्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं ये स्पाइडर एग, तो देखते हैं कैसा होने वाला है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वेट, ये एक्चुअल साइज है क्या? ये एक्चुअल साइज है सीरियसली? नहीं, ओ वेट, मैं ना यहाँ पे ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो ना जल रहे हैं। यहाँ पे वो लोग नहीं जलेंगे। मैं ये भी टॉर्च भी निकाल देता हूँ। ओके, अब मेरे को लग रहा है भाई, अब मेरे को लग रहा है। ना बेटे, ना बेटे,
वेट क्या कर रहा है ये तेरी भैंस की भाई ये तो, अरे भाई हट जा, हट रहा है भाई कितना ढीठ बच्चा है भाई कसम से, भाई कितना क्यूट सा है भाई ये, जरा तुम लोग देख रहे हो। और अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल स्पाइडर कैसा होता है और छोटा वाला स्पाइडर कैसा होता है। तो ये है नॉर्मल वाला और ये है छोटा वाला, और तुम लोग जरा देख रहे हो भाई कितना ज्यादा ये वाला छोटा लग रहा है भाई और कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, बिल्कुल सेम बिल्कुल। अगर मैं दो भी मिला दूं ना भाई तभी भी ये एक जैसे नहीं बनेंगे। अरे भाई गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निकालो इनको, निकालो भैया, किसी काम के नहीं है। ओके तो अब हम लोग देखते हैं कि आयरन गोलम कैसा लगता है, मेरा मतलब बेबी आयरन गोलम कैसा लगता है। तो लेट्स गो, जल्दी से इसे स्पॉन करवाते हैं। और वेट, ओए किधर भागे जा रहा है, किधर जा रहा है भाई? नहीं नहीं विलेजर कोई नहीं फूल लेगा तेरे से कोई भी नहीं फूल लेने वाला। नहीं भाई नहीं, नहीं पटेगी भाई, वो नहीं पटेगी, बिल्कुल भी नहीं पटेगी भाई। रुको रुको रुको, एक और को जरा मैं स्पॉन करके देखता हूँ, वो भागता भागता वहां पे जाएगा। अरे भाई बच्चे भाई कसम से, किधर जा रहा है मैं देखना चाहता हूँ भाई, मैं देखना चाहता हूँ अगर ये विलेजर के पास ही जा रहा होगा ऐसा। अरे भाई वहीं पे आके रुक गया भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके अब हम लोग ना ये देखते हैं कि एक्चुअल आयरन गोलम तो हमें बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है, लेकिन ये छोटा पिद्दू वाला आयरन गोलम हमें डैमेज देता है कि नहीं। और ये भाई ये लड़की के पीछे भैंस क्या पागल ही हो गया। दियो दियो डैमेज दियो, देखा क्या मेरे को, उद्यो दियो तेरी भैंस की भाई, ये डैमेज दे रहा, क्या दे रहा है ये पागल है भाई, ये तो मार देता भाई अभी दो मिनट में। और मैं एक और चीज देख रहा जाता हूँ कि अगर हम लोग तीन ब्लॉक पे खड़े हो जाते हैं जो बड़ा वाला आयरन गोलम होता है फिर वो मैं मार नहीं पाता। तो अगर मैं बेबी आयरन गोलम के लिए अगर मैं एक ही ब्लॉक लगा दूं तब वो ऊपर चढ़ पाएगा क्या? ओके हम लोग ना ट्राई करके देखते हैं, ये रहा आयरन गोलम और इसको क्या धोरे पड़ गए भाई, ये क्या है भाई, वो मार ही नहीं इसलिए तेरे को धोरे पड़ गए। ये क्या ही चल रहा है भाई सीरियसली। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो। ओके देखते हैं कि मेरे को ये पेल पा रहा है कि नहीं। पेल 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 पेल, एक ही ब्लॉक है बस, ओ पेल रहा है पेल रहा है पेल रहा है पेल रहा है। ओके अब ना दो ब्लॉक से ट्राई करते हैं कि ये मेरे को मार पाएगा क्या, मारेगा मारेगा। अरे भाई दो ब्लॉक है भाई इसकी, हवा निकल गई भाई, दिखाई मत दे जाइयो आज के बाद पिद्दे। गजब था भाई ये। ओके अब ट्राई करते हैं बेबी ब्लेज, हमने नॉर्मल ब्लेज तो देखी है लेकिन अब बेबी ब्लेज देखते हैं भाई कैसे होने वाली है। लेट्स गो, ओ भाई 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 ये तो काफी ज्यादा छोटी, ये क्या है भाई, बच्चा है क्या है ये तो पूरा विलेज जला देगा भैंस की आग, ये क्या है तेरी क्रिएटिव में आन दो मेरे को, ये तो वरना पेड़ ही डालेगा भाई मेरे को। ओके अब देखते हैं इसको प्यार से, अब क्या हो गया। ओ भाई ये मेरे को अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा यार, लेकिन जो भी कहो क्यूट लग रहा है जो भी है। ओ मरते वक्त भी बिल्कुल ब्लेस की साउंड आती है इसमें। ओ अब ट्राई करते हैं हम लोग बेबी घास्ट, घास्ट ने बहुत ज्यादा परेशान करा है मेरे को नेदर में, लेकिन आज हम उसके बच्चे से मजे लेने वाले हैं भाई। इसको जल्दी से स्पॉन करते हैं और वेट, तो मेरे को वैसी लग रही है भाई, एक सेकेंड घास्ट। ओके ओ ओके समझ गया, जो बड़ी वाली घास्ट है वो उड़ पाती है और जो छोटी वाली है ये मेरे को स्लाइम लग रहा है, मैं सब बताऊं मेरे को भाई ये स्लाइम लग रहा है सीरियसली, लेकिन असल में घास्ट ही थी, ये घास्ट ईयर भी दे रही है, शाबाश। देख मैंने तेरे बच्चे को मारा और तूने कुछ कहा भी नहीं भाई, कहने लायक बची नहीं भाई, वो तो मरी गई। अब ट्राई करते हैं हम लोग बेबी स्केलेटन और जरा मैं कंपैरिजन करके देखूंगा भाई कि स्केलेटन कैसा लगता है और उसके बाद फिर बेबी स्केलेटन कैसा लगता है। ओके ये रहा बेबी स्केलेटन और वेट वेट वेट, मेरे को पता है तू धूप में नहीं रह सकता तो हम लोग देखो ना यहाँ पे ट्राई करेंगे भाई, मैं क्या गेट ही उखड़ गया भाई, अलग ही सिस्टम। ओके ये बेबी वाला है और ये है बड़ा वाला, और सच बताओ ये एग्जैक्ट कॉपी लग रही है, मतलब बाप बेटा की जोड़ी लग रही है भाई कसम से। वो देखो उसके पास वो भी भाई साहब छोटी वाली है भाई, मजेदार। और इसके में कुछ इफेक्ट निकल रहा है यार,
पता नहीं कौन सा इफेक्ट है। और अगर मैं और बेबी को अगर मैं स्पॉन करता हूं तो वेट, इसको फॉलो कर रहे हैं सीरियसली। जाइयो बेटा बाहर जा। अब आएगा ये सर्वाइवल में देख के मेरे को, अब आएगा ये बेटे। वो आपस में बढ़ गए भाई, बच्चा बाप आपस में बिड़ गए। ब्रेकिंग न्यूज, बच्चा बाप आपस में बिड़ गए। वैसे क्या चलो यहाँ से। अरे भाई मस्त था भाई जो भी था। ओके अब हम लोग ट्राई करते हैं ज़ॉम्बी पिगलिन, और ये बेबी वाला है तो काफी ज्यादा क्यूट लगेगा जैसे कि मेरे को लगा था भाई। ज़ॉम्बी पिगलिन सीरियसली ये ऐसा ही होता है क्या? पहली बार देख रहा हूं ये ज़ॉम्बी। ये तो बेबी वाला हो गया, ये रहा ज़ॉम्बी पिगलिन। एक बार ये मेरे को बड़ा वाला देखना भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ सीरियसली। हाँ मैंने ऐसा देखा हुआ है, लेकिन ये छोटा वाला क्या कर रहा है भाई? अगर मैं और भी स्पॉन करूंगा तो ये ऐसी, हाँ ये इस घोड़े के साथ ही चलता रहेगा भाई, तुम्हारी भैंस की। ओह ये अपने बाप को फॉलो कर रहे हैं। रुको एक और मैं स्पॉन कर देता हूँ, अब तो उसको फॉलो करो, सारे उसको फॉलो करो करो करो। रुको मैं ये किधर लगा देता हूँ और देखता हूँ कि ये अपने बाप को फॉलो करते हैं कि नहीं। ओके नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। अरे ऐसा ही है भाई, ये तीनों भाई उसी को ही फॉलो कर रहे हैं भाई, उसी को ही कर रहे हैं भाई। रुको ये उसको करेगा, देखा ये कर रहे हैं भाई, ये फॉलो कर रहे हैं। चलो बेटा चलो बहुत हो गया तुम्हारा। आवाज निकालोगे हैं सालो, आवाज निकालोगे, इतने बड़े हो गए। सबको पेड़ डालूंगा भाई, कोई नहीं बचेगा। ओ वेट ये पैदल चलने लग गया, अगर मैं इसको ही मारूंगा तो ये पैदल। ओह ये भी पैदल चल रहा है भाई अब। अच्छा मैं इन्हें पैदल भी चला सकता हूँ, ओके बढ़िया था भाई बढ़िया था। ओके अब हम लोग ट्राई करते हैं बेबी एंडरमैन, और इसको देखने के लिए भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं यहाँ पर एक बड़ा वाला एंडरमैन भी पकड़ लेता हूँ भाई। ओके तो ये रहा नॉर्मल वाला एंडरमैन जो कि हम लोग अक्सर देखते रहते हैं इसे, और अब है ये बेबी वाला एंडरमैन। और तुम लोग जरा देख रहे हो भाई, तुम ये देखो भाई, उफ यार अपने बाप को क्यों फॉलो करते हैं भाई ये काहे। तो आगे भेजू क्या? आगे जाएगा, जाएगा आगे। ओ रुको अगर मैं इसे पेलूंगा, ओए तेरी भैंस क्या पेल दिया भाई, पेल दिया पेल। ओके अब हम लोग ट्राई करते हैं बेबी गार्डियन को, ये मैं नाम पहली बार सुन रहा हूं। देखते हैं ये वाला मॉब कौन सा होने वाला है। ओ के गार्डियन ये वाला होता है क्या? ये उसमें मिलता है ना सी, पता नहीं किसमें था वो, जहाँ पे हम एक बार ही जाते हैं उसके बाद फिर अगर हमारे को इफेक्ट मिल जाता है तो हम ब्लॉक नहीं तोड़ पाते, पता नहीं उसको क्या कहते थे भाई। लेकिन ये एक्चुअली में छोटा है, जो वहां पे होते हैं ना गार्डियन वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। वेट है? ये दोनों मेरे को एक ही जैसे दिख रहे हैं भाई सीरियसली। ये क्या? ओ अब ओके मैं वही सोचू भाई, मेरे को वो लोग एक ही जैसे दिख रहे हैं वैस क्या। अरे बेबी एंडर ड्रैगन ने वैस क्या दिमाग में दत्त कर दिया भाई, धें 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 धें। अब हमारा आ चुका है यहाँ पे बेबी शल्कर, जो कि हमारे को एंड में मिलता है। अगर हमारे को शल्कर बॉक्स चाहिए होते हैं तो देखते हैं कैसा दिखता है ये। और फिट ये बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा है भाई, और ये खुलता भी है क्या? ओ खुला 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 खुला, मारेगा ये? रुको 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 मैं एक ना नॉर्मल वाला भी एक मैं शल्कर बॉक्स स्पॉन करता हूं और इनका कंपैरिजन देखते हैं भाई। बड़ा वाला तो काफी ज्यादा बड़ा होएगा, ये देखो ये देख रहे हो भाई क्या ही, मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गई, जिंदगी बदल दी। मारो भाई मारो मारो मारो, फेल दो भाई फेल दो। ये क्या है बदतमीजी है भाई, अब तुम फेल के दिखाओ। ये क्या है? तो मेरे को कोई और ही इफेक्ट दे रहा था भाई, कोई किसने दिया मेरे को इफेक्ट? ये आ जा, अब तुम आ जाओ, है तुम्हारी कमी थी, है तुम्हारी कमी थी, है तुम्हारी कमी थी। हाँ तुम लोग अब इफेक्ट दे दो, तुम्हारी कमी थी। वो आपस में भिड़ पड़े, तो ये क्या हो रहा है? आपस में भिड़ पड़े, वो गए एक ही शॉट में सीरियसली। अरे भाई लग गया इफेक्ट, गए भाई गया, हाँ तेरी भैंस की, गए भाई गए, खाना खाओ भाई के पता लगे मरी ना जाए। ये भी काफी ज्यादा बढ़िया था वैसे, बेबी शल्कर बॉक्स, वाह कहने भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके अब बारी आती है बेबी विच की, हमने नॉर्मल विच तो काफी बारी देख रखी है और अब बारी आती है बेबी विच की। और ये ओ बैठे आराम से आराम से आराम से आराम से। और वेट मैं एक और चीज देखना चाहता हूँ, अगर मैं नॉर्मल वाली विच स्पॉन करता हूँ तो ये बेबी वेज उसके साथ साथ घूमेंगी क्या? मेरे को वो देखना है एक बारी,
दे दिया बेटे तूने, आखिर में पोषण दे ही दिया। आजा विच, तेरी माता आ चुकी है, देखता हूँ तो इसके पीछे जाती है कि नहीं। नहीं इसके पीछे नहीं आ रहे बेटा, अगर मैं पास स्पॉन करवाऊं तो। ओ पास स्पॉन करवाने से आ रहे है भाई, ये भी आएगी क्या देखते हैं। अरे छोटी बन गई भाई, ओके हाँ ये भी आ रहे हैं भाई। ये अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं भाई, बदतमीज आदमी, उनके साथ साथ ही भैंस क्या घूमते रहेंगे। और अगर मैं इसकी माँ को मारूंगा ना तो ये दो बच्चे मेरे ऊपर ही टूट जाएंगे भाई कि तूने मारा कैसे। ये भी काफी अच्छा है भाई। और अब बारी आती है बेबी क्रीपर की, जिससे हर किसी का मूड खराब हो जाता है, चाहे वो बंदे ने नेदरराइट पहना हो, चाहे वो बंदा नंगा ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्रीपर से एक ना एक बारी तो मरता ही है। और ऐसे कुत्तों की मौत मरता है भाई कि उसको क्रीपर का नाम याद हो जाता है। और उसका ही हम लोग बच्चा मंगाने वाले हैं भाई, तो लेट्स गो, जल्दी से स्पॉन करते हैं हम लोग क्रीपर को। और वेट, सीरियसली वेट, मेरे को इसका धमाका देखना भाई एक बारी, प्लीज एक बारी मैं इसका धमाका देखना चाहता हूँ। करेगा धमाका? अरे भाई वेट 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 वेट, ये तो नॉर्मल ही था भाई, जितना नॉर्मल क्रीपर ब्लास्ट होता है ये तो उतना ही था ना। रुको एक बारी मैं ना नॉर्मल क्रीपर को लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि वो ब्लास्ट नॉर्मल क्रीपर जैसा था या फिर बेबी क्रीपर जैसा। चल भाई चल, फूट 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 फूट, शाबाश। और वेट, इसने काफी ज्यादा गहरा गड्ढा करा है, मतलब कि इसकी थोड़ी बहुत ये बाहर की तरफ है और ये मतलब थोड़ा सा छोटा है, अगर मैं तुम्हें साफ शब्दों में बोलूं। मतलब कि बेबी क्रीपर ज्यादा ब्लास्ट नहीं करता, लेकिन बेबी क्रीपर मतलब नॉर्मल क्रीपर काफी ज्यादा ब्लास्ट करता है। और नॉर्मल वाला किधर चला गया भाई क्रीपर? मेरे ख्याल से वो उसी के साथ साथ फूट गया। ये भी काफी बढ़िया था। और अब बारी आती है बेबी स्नोमैन की। ओके बेबी स्नोमैन, बेबी स्नोमैन यहाँ पे इसको मैं स्पॉन कराता हूँ बेबी स्नोमैन को। और वेट, वाओ ये कुछ मेरे को कहेगा नहीं क्या? कहेगा कि नहीं? ना कहेगा मेरे ख्याल से, ये तो पेल भी नहीं रहा मेरे को। रुको अगर मैं आयरन गोलम स्पॉन कर दूं इसके साथ तो तब क्या होएगा? वो अपना ही भाई साहब, वो वो अपना ही भाई साहब, वो अपना ठेका ढूंढने जा रहा है भाई। मेरे को विलेजर मिल जाए मेरे को परवाह ही नहीं भाई। स्नो आ रही है वैस्किया, स्नोमैन आ रहा है वैस्किया, उसे चाहिए बस विलेजर मेरे से कोई फ्लावर ले ले, मेरा आज का दिन बन जाए वैस्किया। इतने अलग लोग है भाई कसम से। और वेट ओ, ये विच को पेल रहे हैं स्नोमैन, वो क्यों मार रहा भाई? क्यों 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 क्यों, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या करा? वाई वाई वाई, नहीं मार नहीं भाई, क्यों पेल रही है ये? तो पेल देगी भाई दो सेकंड के अंदर तेरी भैंस की भाई। गेम मोड सी करो बस, काम खत्म। और कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है भाई, जरा तुम लोग देख रहे हो, ऐसे लग रहा है भाई पिचकारियां मार रहे हैं भाई। बढ़िया भाई बढ़िया, ये स्नोमैन भी काफी ज्यादा बढ़िया था। ओके तो अब देखते हैं बेबी केव स्पाइडर को। यू यू, बेबी केव स्पाइडर माइनशाफ्ट के पास मिलती है, और जरा कंपैरिजन करके देखते हैं कौन सी ज्यादा, मतलब एक्चुअली तो यही वाली ज्यादा बड़ी होएगी। हाँ लेकिन मैं एक्चुअल साइज देखना चाहता था कि कैसा इनका साइज होता है। इनकी पावर तो एक ही है भाई, बस इनका साइज छोटा है। अगर मैं सर्वाइवल में आ गया ना तो ये दोनों का एक ही डैमेज होएगा, दोनों एक ही पावर के डैमेज करेंगे, पर बस यही फर्क है इसकी हाइट छोटी है और इसकी हाइट बड़ी है भाई। ओके अब हमारे पास बचे हैं तीन एग, जो कि है वेदर स्केलेटन, बेबी वेदर और ड्रैगन एग। अब ड्रैगन एग तुम सबको पता लग गया होगा ड्रैगन एग क्या होने वाला है, पर वो हम लोग अभी नहीं यूज करेंगे, अभी हम लोग यूज करेंगे वेदर स्केलेटन को। और देखते हैं भाई ये कैसा होने वाला है। और वे इसने तो हेड पकड़ा हुआ है भाई, एक बार मेरे को वो भी देखना है कि नॉर्मल वेदर कैसा लगता है। देखते हैं एक मिनट, ये इसका रेस्पॉन, और ये काफी ज्यादा अलग लगता है भाई। बच्चे के बाद ऐसा लग रहा है भाई कोई ट्रॉफी लगी हुई है, और बाप के बाद ऐसा लग रहा है भाई कोई योद्धा लग रहा है। मैं उस समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने इसको योद्धा बोल दिया। ये तो भाई पीटेगा आज योद्धे योद्धे। और रुको 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 रुको, इसको पहले मैं ना मारता हूं, ये मर गया। और सीरियसली मेरे को स्कल एक बार ही मिल गया, सीरियसली वो भी नो लूटिंग नो कुछ। मैंने तभी इसको मारा क्योंकि मैं देखना चाहता था अगर मैं इसके पाप को स्पॉन करता हूं तो अगर मैं उसको मारूंगा तो ये मेरे को ही मारेगा। और ये किधर भागे जा रहा है भाई, किधर किधर, ये ले ये ले। अबे रुक जा भाई, ये किधर,
किधर ही भागे जा रहा है भाई वो, किधर वो भाई वो मेरे स्नोमैन ही संभाल लेंगे भाई, वो कहते हैं भाई हम ही पिचकारिया काफी है भाई इनके लिए, तो मेरे को कुछ करने की भाई मेरे को कोई जरूरत ही नहीं। बेबी वो देखना भाई वेदर, यार बिल्ली भाई मेरे पीछे पड़ गया कसम से, आ जा बेबी, अरे रुक जा भाई, ये तो भाई घोड़े से भी तेज है भाई कसम से, इसको कहीं ना फंसाना पड़ेगा मेरे को। ये देखो भाई ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा, इतने छोटे पैर भैंस की आंख और अपने पापा से भी अपने ज्यादा तेज दौड़ रहा है, अब नहीं भाग पाएगा। ओ लेट्स गो, यो क्या मिला है वेदर, ये क्या मिला, वेट अगर मैंने इसे मारा एक और तो मेरे को पता नहीं आ रहा क्या मिल रहा है भाई इफेक्ट, ये मर नहीं रहा पर पता नहीं क्या मिलने जा रहा है इफेक्ट, जैसे मैं इसको देखो मारता हूँ कुछ और ही हो जाता है। और मेरे को यहाँ पे एक और स्पूकी स्केलेटन मिल गया भाई, अगर ऐसी मेरे को सर्वाइवल वर्ल्ड में अपने मिल रहे होते ना मेरी पूरी बीकन की लाइन होती भाई। ओके अब बारी आती है बेबी वेदर की, जो कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसे देखने के लिए, लेट्स गो जल्दी से स्पॉन करते हैं। और बेबी वेदर लिखा हुआ भी आ रहा है, वाओ, और ये काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है भाई, वेट वेट वेट, मैं गया, नो बेबी नो, मानना नहीं है बेटे, मैं जल्दी से क्रिएटिव मार लेता हूँ। और अब खेलेगा तू, छोटा सा है भाई, बिल्कुल छोटा सा है ये रियल लाइफ देखने में, लेकिन डैमेज बहुत ही ज्यादा कर रहा है। और अब एक बारी मैं ना रियल वेदर स्पॉन करके देखता हूँ और दोनों में जरा कंपैरिजन करते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग वेदर स्कल लगा देते हैं और लेट्स गो, ओ अब तो बेबी स्पॉन हो रहे हैं भाई, ये क्या बदतमीजी हो रही है भाई, ये एक्चुअल वेदर क्यों नहीं स्पॉन हो रहा, ये क्या हो रहा है भाई, ये व्हाट इज हैपनिंग, चार चार बेबी वेदर भैंस की आंख, गया भाई मैं जा रहा हूँ। इन्होंने तो भाई मेरे हेडफोन ही फाड़ दिए थे भाई सीरियसली, ये बच्चे भी ना भाई बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते रहते हैं। और अब हमारा है लास्ट एग, जो कि है एंडर ड्रैगन एग, और इसे मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता है एंडर ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा होता है, और अगर हम उसको बेबी एंडर ड्रैगन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा लगने वाला है, 1 2 3। ओ भाई साहब सीरियसली वेट, मैं इसे मार क्यों नहीं मारा, नहीं मार सकता मैं इसे, मेरे को मारेगा क्या, मार इसे मार ही नहीं पा रहा भाई, शाबाश, नहीं काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार ये बेबी ड्रैगन एग, वाओ, ये कुछ करता नहीं है पर ये बस अपने एग के पास ही रहता है। और मैंने जैसे ही एग हटाया, ओ वेट अगर मैं इसको ऐसे करके हटा भी सकता हूँ, ओके ड्रैगन एग तो हम लोग हटा सकते हैं ना, यहाँ पे मैं सारी तरफ लगा देता हूँ भाई ये देखो भाई पूरा मैं ड्रैगन एग का पूरा मेरा गुच्छा बना दिया है। और अगर यहाँ पर मैं आयरन गोलम को स्पॉन कर दूं तो क्या होएगा, एक बारी मेरे को जरा वो देखना है, लेट्स गो, पेलेगा के क्या कर रहा है, पेल रहा है ओ भाई रुको, पेल तो रहा है लेकिन बेचारे का हाथ नहीं जा रहा। और अब मैं यहाँ पे सारी तरफ मैं स्पॉन करवा रहा हूँ, आ जाओ बेटे, ये लोग एंडर ड्रैगन कुछ कर तो नहीं पाएंगे, ये देखो भाई सारे भाई साहब उसे मारने में पड़े हुए हैं, ये देखो भाई कान फट रहे हैं भाई मेरे, भाई मजेदार भाई, अगर मैंने और ज्यादा ये खेला तो मेरा दिमाग फटने वाला है। ओके गाइस आई होप तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ठोक देना, बाकी गाइस ज्यादा बातें नहीं करता, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।